तो आज की वीडियो में गाइस मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.20 जिसमें हमें काफी नई नई चीजें देखने को मिलने वाली है जैसे कि स्नीफर, कैमल, चेरी बायम एंड और भी बहुत कुछ। एंड इस 1.20 में 100 डेज सरवाइव करते हुए मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक फुली इंचेंटेड ट्रिम के साथ नेथरराइट आर्मर बनाना है। सेकंड, मुझे अपने लिए 1.20 बेस एक खूबसूरत सा हाउस बनाना है। थर्ड, मुझे स्नीफर एंड कैमल्स को ढूंढने वाले उड़ाना है। एंड स्पॉन होते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे पेड़ तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी वर्जन हो हमारी शुरुआत तो पेड़ तोड़ के ही होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, रख देता हूँ। एंड काफी देर वेट करने के बाद जैसे मेरे सारे आयरन मेल्ट हो जाते हैं, मैं उसके लिए अपने लिए फुली आयरन का आर्मर साथ ही आयरन की पिकैक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। कि चेस्ट में गाइस मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे मैं रख देता हूँ। एंड साथ ही मेरे पास गाइस काफी सारे शोर केन्स भी थे, तो मैं उनको भी लग गया प्लांट कर देता हूँ पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। चेरी बायम के पास पहुंचे गए, देखा छोटे छोटे चेरी के पैटर्स थे। एंड सभी गाइस डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे पैटर्स काफी ज्यादा खूबसूरत थे। साथ ही गाइस जो चेरी के ट्री में से जो पैटर्स बरस रहे, ये भी काफी ज्यादा प्यारे लग रहे। एंड इसके लॉन्ग भी गाइस काफी ज्यादा खूबसूरत थे, स्पेशली इसके प्लांट का कलर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। फ्रेंड बन जाता है, मैं फटाफट से उसको सैडल पहना के यहाँ से सीधा भाग लेता हूँ। एंड मेरे जान बचाने के इनाम पे मैं उसे डायमंड हॉर्स का आर्मर पहना देता हूँ। एंड फिर उसे गड्ढे में गिरा देता हूँ ताकि वो इधर उधर भाग न जाए। एंड अभी गाइस मेरे पास टोटल 8 डायमंड थे, तो उससे मैं डायमंड की पिकैक्स, एक स्वॉर्ड और एक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद उसे निकल जाता हूँ नेदर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में स्पॉन होते ही गाइस मैं देखता हूँ कि मैं काफी अच्छी जगह पे स्पॉन हुआ था, मैं शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस मैं अपनी पहली चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जिसके अंदर से मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमंड आर्मर को नेदर में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही डायमंड के बूट्स, दो एंशिएंट डेब्रिस और नेदर का इंगट मिलता है। एंड दूसरी चेस्ट में गाइस मुझे नेदर का स्क्रैप और इंगट मिलता है। इस तरीके से चलाना होता है। एंड इसके अंदर से हमें कुछ भी रैंडम आइटम मिल सकते हैं। एंड हमें मिला क्या है, गोल्ड के नगेट्स। अंदर मुझे कुछ और सस्पिशियस सैंड मिलते हैं, जिसमें से मुझे कोर और वीट मिलते हैं। एंड स्नीफर केक्स को ढूंढना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्नीफर केक्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। आगे मैं कुछ और ब्रशिंग का काम करता हूँ, जिसमें से मुझे आयरन की एक्स और कुछ पॉटरी का सामान मिलता है। एंड ऐसे गाइस आगे कुछ और ओशन रूइन को ढूंढ के ब्रश करते करते मैं काफी ज्यादा थक चुका था, कि तभी गाइस मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली मुझे वो स्नीफर का एग मिल जाता है। भाई साहब इसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लिटरली गाइस एक छोटे से स्नीफर एग को ढूंढने में मेरे रियल लाइफ के 1.5 घंटे चले गए, बट ये काफी ज्यादा वर्थ इट भी था। आगे मुझे शिपरेक मिलती है, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे बड़े ट्रेजर का मैप मिलता है। एंड डेकोरेशन वाइज ये पॉट काफी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपनी मेहनत को रंग लाने की, यानी कि स्नीफर एग को हैच करवाने की। सो मैं यहीं पे खड़े खड़े AFK करते रहता हूँ। एंड ये प्रोसेस होने में गाइस माइनक्राफ्ट के 2 दिन लग गए, जिसमें सबसे पहले एग पे थोड़ा सा क्रैक आया। एंड दूसरा दिन एंड होने ही वाला था कि तभी गाइस फाइनली हमारा स्नीफर यहाँ पे एग से बाहर आ जाता है। तो बिना देरी करते हुए उसको मैं फटाफट से इस गड्ढे के अंदर डाल देता हूँ, ताकि इधर उधर भाग के हमारी मेहनत खराब ना करे। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी माइनिंग करके अपने लिए जल्द से जल्द एक फुली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट। गाइस अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड अब गाइस मुझे इस घर में रहते रहते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। एंड अब ये घर मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका था। The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. स्नीफर के पास पहुंचता हूँ। मैं देखता हूँ कि अपना स्नीफर जो है अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड क्योंकि गाइस अभी बड़ा हो चुका था, यानी कि अभी अपने लिए सीड्स को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। एंड कुछ देर वेट करते इसने वो करना शुरू भी कर दिया। इसने शायद से जो है सीड्स को ढूंढ भी लिया था। तो उसके बाद मैं उस सीड को जाके कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि था एक टॉर्च फ्लावर सीड। एंड ट्रेडर को मार्केट गाइस मुझे 2 लीश मिल चुकी थी, जिसके जरिए मैं अपने स्नीफर को बांध के अपने घर के पास लेके आ जाता हूँ। एंड अपने घोड़े के साथ ही बांध देता हूँ। एंड अपने विलेज के फार्म वाले एरिया में ही मैं इस टॉर्च फ्लावर वाले सीड को प्लांट कर देता हूँ। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप करने की, लेवल पे सेटअप कर देता हूँ। एंड एक चीज तो गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि 1.20 की अपडेट के बाद ये हैंगिंग साइन भी आ चुके हैं, जिसमें हम दोनों साइड्स पे लिख भी सकते हैं, साथ ही इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपको ये चीज करना चाहिए। तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। गाइस अभी काफी बड़ा अपडेट आया है। पहले गाइस ये जो बैम्बूज थे वो काफी ज्यादा नल्ले हुआ करते थे, बट अब इनसे भी हम काफी सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस इन सारे बैम्बू से हम एक बैम्बू का ब्लॉक क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। एंड इस बैम्बू ब्लॉक से गाइस हम बैम्बू के प्लैंक्स क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है अगर हमें कोई बिल्ड करना है तो। एंड इन बैम्बू प्लैंक से गाइस हम नॉर्मली सारी चीजें तो क्राफ्ट कर ही सकते हैं, बट इस बार बैम्बू प्लैंक से हम बैम्बू के राफ्ट को क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। ये बोर्ड से तो काफी ज्यादा सिमिलर है, बट काफी ज्यादा मजा भी आता है इसको चलाने में। बट तभी गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि अपने रुइन पोर्टल के जस्ट सामने एक जंगल टेंपल था। इस बार जंगल टेंपल से हमें जो कुछ और ट्रिम्स मिल सकते थे, जिससे हम अपने आर्मर पे और भी डिजाइन लगा सकते थे। तो मैं फटाफट से जंगल टेंपल के अंदर आ जाता हूँ। एंड हमेशा की तरह तोड़फोड़ करके चेस को चेकआउट करता हूँ, जिसमें कंट्रोल
आगे इन नंदे ट्रैप से बचते बचाते मैं एक और चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसमें आयरन गोल्ड एंड सैडल के अंदर हमें काम की चीज मिलने वाली थी। एंड वो काम की चीज गाइस ये थी, ये रहा अपना प्यारा सा कैमल जिसको आज हम यहाँ से लेके जाने वाले। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ लूटपाट मचा ले जहाँ पे मुझे टूलस्मिथ के घर से दो डायमंड एंड कुछ ब्रेड मिलते। एंड क्योंकि ये डेजर्ट विलेज है तो यहाँ पे हेबेल्स तो भर भर के मिलेंगे, तो मैं सारे हेबेल्स को बटोर लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली गाइस मैं अपने प्यार से कैमल को सैडल पहना देता हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद मैं इस पर बैठ भी जाता हूँ। एंड अगर गाइस आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो। इस प्यारे से ऊंट के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड इस कैमल की गाइस एक स्पेशलिटी है कि ये डायरेक्टली लॉन्ग जंप मार सकते हैं, यानी कि हम जो गड्ढे के अंदर नहीं गिरेंगे। बट अब आता है अपना मेन टास्क, इस कैमल को बड़े प्यार से अपने बेस तक लेके जाना, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं। एंड काफी देर की ट्रैवलिंग करने के बाद गाइस फाइनली मैं अपने प्यारे से कैमल को अपने बेस पे लेके आ चुका था। मेरे पास एक और लिस्ट थी जिसके अंदर मैं अपने कैमल को अपने घर के राइट वाले साइड में फेंस से बांध देता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने आर्मर पे ट्रिम्स लगा के अपने आर्मर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की। सो ट्रिम्स लगाने के लिए मैं स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस सारे ट्रिम्स को अपने आर्मर पे लगा के, जो अपने आर्मर पे ट्रिम सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था उसके हिसाब से डिसाइड करके मैं वो उन्हें लगा दे रहा था। एंड इन ट्रिम्स के लिए गाइस मैं गोल्ड का यूज कर रहा था, ताकि जब हम इस आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट करेंगे और भी ज्यादा तगड़ा लगे। एंड अब देखो गाइस हमारा आर्मर अभी से काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, जब ये नेथरेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड उसके बाद मैं चीजें डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथरेट में कन्वर्ट कर सके। एंड उसके सारे बिल्डिंग से बचते हुए मैं चेस को चेकआउट कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर से मुझे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, यानी कि अब मुझे सिर्फ एक ही की जरूरत थी। एंड लकीली बाजू में दो चेस थी जिसमें से एक में से मुझे ऑब्सिडियन एंड गोल्डन कैरेट मिलते हैं, बट दूसरे में से मुझे फाइनली लास्ट वाला स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाता। अब अपने पास एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी 1.20 के भी ड्रैगन को खत्म करके यहाँ पे भी अपना कब्जा जमाने की। मैं फटाफट से आई फाइटर को फिर के डायरेक्शन ढूंढ लेता हूँ, जो कि अपने घर के पीछे वाली साइड ही था। सो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। मैं फाइनली 1.20 के भी ड्रैगन को इसी के साथ खत्म कर देता हूँ। एंड इसी खुशी में मैं सारी एक्सपीज को एंड ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सीधा आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड इसी के but I know it's not true. I wanna put up